have to ask Karan Johar sir because he's in charge of release and everything. Thank you so much. एक न्यू कमर के लिए इतना कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि उनकी जो सेकंड फिल्म जो उन्होंने अनाउंस की है वो भी एक अच्छा बड़ा सक्सेस और उसके भी सक्सेस पाए. अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज करी है बूट के लिए और कल भी मतलब ऑलमोस्ट दो तीन वेब सीरीज बैक टू बैक है जिसके लिए मैं ऑलरेडी शूटिंग मेरा ऑनलाइन है. सो बस उसके लिए परफॉर्मेंस में भी और उसकी बातों से जैसे आप लोगों ने देखा बहुत कॉन्फिडेंस वाला लड़का है और मेरी उसके साथ शुभकामनाएं उसको. उसका फ्यूचर ब्राइट है इतना ही कह सकता हूँ. और वो खुद बोल रहा है कि सेकेंड फिल्म जो करने जा रहा है पहले से बेटर करेगा तो ये उसकी आगे बढ़ने की पहली सफलता की सच्चाई है. देहाती डिस्को के बाद एक फिल्म मैं करने जा रहा हूँ कॉलिंग शिवा जो सितंबर के बाद शुरू होगी और दो प्रोजेक्ट से मेरा काम चल रहा है तो मैं अभी उनकी टाइटल और कास्टिंग रिवील नहीं कर पाऊँगा और बहुत जल्दी बस उससे बेटर ही कोशिश करूँगा. थैंक्स. आई विशिंग हिम अ रियली रियली गुड लक बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से वो बात कर रहे थे एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच द फिल्म बिकॉज फिल्म मैंने नहीं देखी है तो इसके लिए मैं नहीं दे सकता हूँ लेकिन उनको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा बिकॉज इज रियली गुड इन टॉक्स एंड जो उनकी हिंदी पे पकड़ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बॉलीवुड में कुछ अब ऐसे एक्टर्स भी और आ रहे हैं जो हिंदी में अच्छी पकड़ है. सो आई एम विशिंग हिम अ वेरी वेरी गुड लक एंड इवन फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म आई होप वो आगे काफ़ी बड़े स्टार. मैं अब ज़्यादा डायरेक्शन में चला गया हूँ. मेरी एक फिल्म बाहर जो अभी रिलीज हुई है हॉट स्टार पे एंड उसका पार्ट टू कल रिलीज हो रहा है एंड सोहेल उसके लीड एक्टर हैं और वो मैंने डायरेक्ट की है तो नाउ आई एम मोर इनटू डायरेक्शन. अब ये इस बाहर पार्ट वन आ चुका है इसका सेकंड पार्ट आ रहा है तो बस उसके भी काम में थे अब कर रिलीज हो रही है उसका भी वेट कर रहे हैं. यूक्रेन विपिन को और ख़ास करके मुकेश भारती और मंजू भारती जो हमारे बहुत क्लोज हैं उनको मुबारकबाद. उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई और सबसे इम्पोर्टेंटली मुकेश जी और मंजू जी ने जैसे उसे रिलीज़ किया है और बहुत बहुत मुबारकबाद. तभी सक्सेस पार्टी कर रहे हैं बिकॉज आई एम श्योर मैंने खुद देखी नहीं है पर अब इतना कुछ सुना है फिल्म के बारे में तो हम ज़रूर देखेंगे. आप सोचते हैं कि रुक रुक कर चलेगा लेकिन जब स्मूथ रोड मिलता है और आपकी गाड़ी फुल स्पीड चल रही होती है तो लगता है कि सब ठीक ठाक है ना. लेकिन हाँ सब ठीक ठाक है और उस पर अनदर स्टेपिंग स्टोन कीमत नई फिल्म इट इज़ अ विविडली वंडरफुल ड्रीम. देखिए आप बिजनेस कीजिए आप अकेले अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए आप कुछ भी करेंगे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और रहा है कि मेरे साथ सपोर्ट की मेरे परिवार की मेरे दोस्तों की मेरे शुभचिंतकों की और शायद उसी का ये नतीजा है कि एक फिल्म आपके सामने आई और उसी के साथ दूसरी का आगाज होने जा रहा है. एहसास होता है किसी को भी जब उनके माता पिता को खुशी होती है उनके कुछ काम करने में वरना सारी ज़िंदगी यही सुनने को मिलता है ये नहीं किया वो नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया लेकिन जब वो खुशी से फूलते हैं ना तो थोड़ी सी एक तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो कुछ तो किया. पहली फिल्म आई आपके सामने आई आपने देखा सराहा और आज का दिन आया और उसी के साथ एक कीमत इस फिल्म का आगाज़ हुआ. आप जब कुछ भी करते हो और उसके बाद उसी फिल्म में उसी लय में उसी धारा में एक नई चीज़ बन के आती है तो आप उसमें पहले से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं ये बट नेचुरल है और यही
कि जो कमी पहले रह गई थी वो सुधारनी है, और जो जो अच्छी चीज़ें पता लगी उनको और हाईलाइट करके और अच्छे तरीके से मैं आपके सामने इट वॉज ए नाइस स्टोरी एंड वी प्रीट वेरी गुड इन एक्टिंग एंड लाइक ए न्यू कमर बट ही इज वेरी गुड इन ईच एंड एवरीथिंग वी आर रिलाइंग ऑन हिम सो दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग दिस शो देखिए कमल कमल एंटरटेनमेंट का जो बुनियाद है वो आज हमारे सामने खड़ी है ना सुनील जी हमारे और कमल जी और बहुत एक्साइटेड हैं ये सब कुछ देख के बहुत खुश हैं और हमेशा जो है विपिन को जो है बहुत मान सम्मान करते हैं विपिन का और आने वाली जो फिल्म है कीमत उसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा मतलब योगदान सहयोग कहूँ क्योंकि सब करने वाले तो आप ही लोग हैं मतलब आप आगे हैं समझ लीजिए और हम पीछे हैं कीमत जो है इनकी कीमत समझ लीजिए मतलब मैं कोई कीमत ही नहीं है अनमोल है यस ये आपने अच्छी बात बोली अनमोल है सर आप क्या कहना चाहेंगे कीमत को लेकर अब जो है नई फिल्म भी अनाउंस हो गई है और लवली दुखरेन की बड़ी हिट हो गई है सबके बीच में सर थोड़ा सा बताइए मीडिया का ऑडियंस का सबका शुक्रिया करना चाहेंगे बहुत सपोर्ट किया सबसे बहुत ही सहयोग मिला और फाइनली उन्होंने तो दिन रात जो मेहनत की है इसके बिना तो कुछ भी सक्सेस होना पॉसिबल ही नहीं और कीमत को लेके हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड अभी फाइनलाइज कर रहे हैं बड़ी जल्दी ही इन नेक्स्ट वन मंथ और सो सामने आएंगी चीज़ें ये सक्सेस पार्टी जिसकी हुई है उसकी दूसरी पिक्चर कीमत तो ये लोग सच में इसको कीमत का अंदाज देंगे कि मतलब हाँ ये कोई फिल्म थी कीमत कि आपको बहुत पसंद है इस चीज़ का कीमत और बहुत जल्दी जो है इसकी शूट होने जा रही है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी सबसे पहले तो मंजू जी थैंक यू कि मुझे ऐसे खूबसूरत से फिल्मों से आप रूबरू कराते हैं एंड हमारे स्टार्स से मुझे मुलाकात करने का मौका मिलता है विपिन जी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू मैं सुनील गर्ग और कमल आहूजा जी से एट द सेम टाइम जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है मुकेश जी थैंक यू सो मच और आपके तीनों फिल्म्स में मैं प्रेजेंट थी और आपके इस ब्यूटीफुल फैमिली में भी मैं हिस्सा हूँ सो थैंक यू सो मच एंड एट द सेम टाइम पंडित पवन कौशिक जी को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी और बबीता कौशिक जी को जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है एंड स्पेशली लव इन यूक्रेन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के बाद शायद एटलीस्ट कुछ डेकेड्स तक तो वहाँ पर कोई फिल्म शूट ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशंस पर नहीं हो सकती है एंड बहुत ही स्पेशल फिल्म इसलिए है क्योंकि हमारी जो लीजा है वो यूक्रेनियन है और वहाँ का पूरा कल्चर उन्होंने खूबसूरती से दिखाया है जो शायद वर्ल्ड के लिए इसी फिल्म के दौरान वो देख सकते हैं द कल्चर ऑफ यूक्रेन उसके बाद वो शायद ये नहीं देख सकें तो ढेर सारी खुशियाँ हैं सुपर सक्सेसफुल जो फिल्म की होती है हमने इतने सालों से नहीं देखी है और आज सुपर सक्सेस सेलिब्रेशन के साथ साथ अनवीलिंग ऑफ कीमत तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं भी इतनी खुश हूँ एंड मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी टू आर फ्यूचर सुपरस्टार विपिन कॉन्ग्रेचुलेशन दिस इज अ ग्रेट बिगनिंग एंड मंजू भारती जी थैंक यू फॉर टेकिंग द फिल्म टू 256 थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया 356 थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया आई थिंक दिस इज फिनोमिनल एक्चुअली थोड़ी सी जलन हो रही थी क्योंकि मेरी पहली फिल्म सिर्फ 3 थिएटर में रिलीज हुई अब सेकेंड फिल्म में अब मैं इनको ही देने वाली हूँ मैं क्योंकि सॉरी बट रियली इट्स अनबिलीवेबल कि 356 एंड दैट टू आप सबको बताना चाहूँगी हरियाणा वॉज सुपर हाउसफुल एंड इट वॉज ऑलवेज अ वंस मोर सो कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम थैंक यू फॉर हैविंग मी फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया थैंक यू एंड चीयर्स थैंक यू सो मच